साथियों, जिस रार अभी तक तेजा डाकू नहीं आया, आते ही होंगे सरदार जी। आने दो, हम तेजा का इंतजार करेंगे। आने दो। साथियों, जी सरदार। हम आज सोच रहे थे कि उस संग्राम सिंह की हवेली पर धावा मारेंगे, मगर वो हमला करने से पहले मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। क्या कहना चाहते हो तेगा? कहना मैं यही चाहता हूं कि डकैती डालने से पहले एक बार मैं उस हवेली तक जाना चाहता हूं। वो भी तन्हा? हां मेरे दोस्त, मैं तन्हा ही जाऊंगा, इसलिए कि उसका कारण है। कारण है? हां मेरे दोस्त। और दुखदार भावित की अंजू माहे लका, वह तो मुझ पे है जाना दिल से फिदा। तास्त हकदार संग्राम खूखार, वो वक्त पाए तो कर देगा मुझसे जुदा। इसलिए मेरे दोस्त, मैं एक बार राजकुमारी अंजू को सावधान करने के लिए जाऊंगा, कहीं ऐसा ना हो कि वो अपने आप पे खतरा समझकर कुछ कर बैठे। ठीक है तेगा, जो लेकिन पुलिस से सतर्क होके, क्योंकि पुलिस वाले इस वक्त हमारे और तुम्हारे पीछे पड़ चुके हैं। ठीक है मेरे दोस्त, इसकी चिंता छोड़ दो। जय चंबल। आओ साथियों, अड्डे पे चलते हैं, डाकू तेगा का इंतजार करते हैं। आओ मेरे साथ। क्या बताऊं, आज काफी दिन हो गया और आगे का कोई पता नहीं चला। मैं सोचती हूं कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं। और याद आ रही है तेरी, याद आ रही है तेरी, याद आ रही है तेरी, याद आ रही है। याद आने से तेरे जाने से जान जा रही है, याद आ रही है तेरी। और दिल बीच क्या अंजू मांगे जबी, सोच रही दिल बीच क्या अंजू मांगे जबी। अरे क्यों इतना चेहरा क्यों है मनी। और आ गए घर से कभी आ गए।
तस्वीर को क्या हुआ और खोजती तेरी तकदीर को। अरे सुकृत मौला कथा जो तुम आ गए मेरे प्यारे अजय घर के। भूल जाऊं तुम्हें कैसे गुलफाम में और तेरा नक्शा जिगर में समाया। अजय क्या बात है, आज मैं क्या देख रही हूं कि तुम एक डाकू के लिबास में हो। ने बेपीर बन आज से तेरा अजय हो गया माँ बाप दिन। और दोनों की जान ली मंत्री संग्राम ने। संग्राम सिंह ने मेरी माँ और मेरे बाप को गोली मारा है, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। लेकिन अजय मैं यहाँ इस हवेली में अकेली नहीं रहूंगी, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूं। मगर राजकुमारी जी क्या बात है, तुम्हारा हमारे साथ चलना ठीक नहीं होगा, इसलिए कि हमारे गलत कदम उठ चुके हैं। हम जंगल के बीघड़ों में पत्थरों के थपेड़े सहते रहते हैं, तुम्हारा यह कोमल सा बदन ये सब सह नहीं पाएगा, इसलिए तुम यहीं रहो। नहीं, तुम्हारे इस हवेली में डकैती पड़ेगी, उसमें जितने भी आदमी होंगे वो हमारे आदमी होंगे, वो तुम तक नहीं पहुंचेंगे, इसलिए मैं तुम्हें पहले से बताने आया हूं। नहीं मैं यहां नहीं रहूंगी, मैं आपके साथ अवश्य खेलूंगी। ठीक है हाँ। वैसे मैंने अपने दोस्त राका से इस बारे में मशविरा तो नहीं लिया, किंतु तुम्हें छोड़कर अकेली नहीं जाऊंगा। ठीक है चलो, मैं अकेला जाऊं और तुम यहां तन्हा रहो हाँ। इसलिए मैं तुम्हें अकेली नहीं छोड़ूंगा। और तुम्हें देखे मेरी आंखें, इसमें क्या मेरी खता है। तुम्हें देखे मेरी आंखें, इसमें क्या मेरी खता है। हाल क्या है मेरे दिल का, हाल क्या है मेरे दिल का। साथियों जी सरदार जी, हम तेजा का इंतजार करेंगे।
जी सरदार। तेगा को आने दो। जय चंबल। जय चंबल। कहो तेगा। दोस्त, हम वापस आ गए, लेकिन एक गुस्ताखी कर आए हैं। वो जे कि राजकुमारी अंजू ने उस हवेली में अकेली रहना पसंद नहीं किया। अकेली रहना पसंद नहीं किया? हाँ, इसलिए ये हमारे साथ आई हुई है। वो किस लिए आई है? वो इसलिए कि उस हरामजादे संग्राम सिंह का कोई विश्वास नहीं है, कितनी वक्त इन्हें गोली मार सकता है। ठीक है तेगा, तो ठीक है। राजकुमारी अंजू गारिस गिरोह और या हमारे साथ रहना चाहती है तो इसके ऊपर कोई धब्बा नहीं आना चाहिए। ठीक है मेरे दोस्त, चलो, चलो। हम लोग कोई नया अड्डा ढूंढेंगे। आओ आओ, जंगल की तरफ चलते हैं। नारायण की जय हो, नारायण की जय हो। रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया, हो श्यामू पिया मोरी, रंग दे चुनरिया। जा रहे हो संघ पांचो, फंस गया सबका गला, आने वाली है तुम पर कोई आसमानी बला। दोस्त राका, मुझे लगता है महात्मा जी हम लोगों के विषय में बात कर रहे हैं। चलिए हम इनसे पूछते हैं। ठीक है। बाबा जी, मैं आपको प्रणाम करता हूं। खुश रहो पिता। बाबा जी, मैं आपको प्रणाम करता हूं। बाबा जी, मैं आपको प्रणाम करता हूं। खुश रहो बाबा जी, प्रणाम करता हूं। खुश रहो।
गुरुवर, क्या आप हम लोगों के विषय में बात कर रहे थे? हाँ बेटा, तुम ही लोगों की बात कर रहा था। बाबा जी, क्या बच्चा, इससे भी बड़ा कोई आफत का तूफान आने वाला है? हाँ बेटा, आने वाला है, मगर इसलिए मगर उस तूफान से बचने के लिए कोई उपाय? उपाय है, ये जो तुम्हारे साथ में ये अंजुम नाम की लड़की है, अगर इसे आप साथ में लिए रहेंगे तो कभी अपने काम में कामयाबी नहीं हो पाएंगे। इसे अच्छा है, इसे कहीं अच्छी स्थान पे छोड़ दो, तब अपने काम में कामयाब हो जाओगे, अन्यथा नहीं हो पाओगे। दोस्त राका, हतेगा बात वही आ पड़ी, लेकिन मैं सोचता हूं कि राजकुमारी अंजू को कौन सी ऐसी सुरक्षित जगह मिलेगी जहां इन्हें छोड़ दिया जाए। मैं तो सोचता हूं कि बाबा जी के इस स्थान से अच्छा दूसरा स्थान कहां मिलेगा। हाँ तेगा, ये बाबा जी का आश्रम जो है बहुत अच्छा है। हम चाहते हैं कि राजकुमारी अंजू को बाबा जी के आश्रम पर ही छोड़ दिया जाए। ठीक है, बाबा जी से बात करो। ठीक है बाबा जी, क्या कहना चाहते हो? हम चाहते हैं कि राजकुमारी अंजू को आपके ही इस स्थान पर छोड़ दिया जाए। आपकी जैसी मर्जी। ठीक है बाबा जी, जब तक हम अपने मकसद में कामयाब नहीं होंगे तब तक राजकुमारी अंजू से मिलने के लिए हर तीसरे दिन आते रहेंगे। ठीक है बेटा, छोड़ दो। राजकुमारी अंजू, क्या बात है अजय? जब तक मैं उस हरामजादे संग्राम सिंह को मिटा नहीं देता हूं, तब तक तुम बाबा जी की सेवा करोगी, और मैं तुमसे मिलने के लिए हर तीसरे दिन आया करूंगा। ठीक है, चलो साथियों। बेटी अंजू, हाँ तुम चलो हमारे कुटी में नहा धो कर बढ़िया भोजन बनाओ, आज मैं तुम्हारे हाथों से ही खाएंगे। ठीक है बाबा जी, तुम चलो आप बैठिए, मैं अभी आ रहा हूं आपके लिए। हाँ चलो, भोजन बनाती हूँ। और ऐसी लागी लगनी, ऐसी लागी लगनी, मेरा हो गई मंगनी, वो तो गले गले हरी गुली गाने लगी। ऐसी लागी लगनी, मेरा हो गई मंगनी। इंस्पेक्टर सुरजीत सिंह, क्या बात? तुम जानते हो कि डाकुओं का आने जाने का रास्ता यही है, और हम लोग अगर इस रास्ते में नाकाबंदी करवा दें और छिपकर बैठ जाएं, तो ये डाकू मेरे हाथों से बच के नहीं जा सकते। सर, अगर ऐसी बात है तो हम इस रास्ते पर नाकाबंदी करवा देते। हाँ, नाकाबंदी करवा दो, आज कोई भी तकाई जो है वो बच करके जाना नहीं चाहिए सर। हाँ, और इन्हें पकड़कर हवालात में डाल दो। नहीं सर, आओ मेरे साथ। चलिए सर। तेगा,
आता ही होगा। चलो और आगे की तरफ चलते, आओ मेरे साथ। इंस्पेक्टर सुजीत राका सर, मैं सोचा तो घिर चुके हो। अगर अपने जान की खैरियत चाहते हो तो अपने आप को कानून के हवाले कर दो, और अगर भागने की कोशिश किया तो आज तुम्हारा बदल जो है वो गोलियों से छल्ली बना दिया जाएगा। वो जा रहे हैं सर, चलो सर। खुद को करते हमारे हवाले, अभी आज हाथों से मेरे नाम बच पाएगा। हो जाएगा देखा, वो हराम जाते जा रहे हैं। करो को गोली लग चुकी है सर, फिर भी भागते हुए जा रहे हैं। चलो उनका पीछा करो। ना जाने क्या बात है, अभी तक खाना बनाकर अंजू लेके नहीं आई। प्रणाम गुरुदेव। खुश रहो बेटा, कैसे आना हुआ संग्राम सिंह? बाबा जी, बगैर जरूरत के तो आपके पास कोई नहीं आता है। बोलो, मतलब क्या है, कारण क्या है, किस लिए आए हो? सुना है आपकी कुटिया में कोई लौंडिया रहती है। अरे बेटा, ये तू क्या कह रहा है? हम एक साधु महात्मा हैं, हमारे कुटी में ये क्या जरूरत पड़ेगी? अच्छा, तो साधुओं की कुटिया में लौंडिया नहीं रहा थे? यहाँ कोई नहीं है। अरे राम 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 राम, गलत बोल गए का हम? हम साधु महात्मा क्या करेंगे? तो कान खोल कर सुनो। अरे बाबा अंजू है कहाँ, जल्द करो इजहार। इस दम तुझको है नहीं
जिसकी तुझको चाह। तुझको चाहा। ओ, बाबा जी पहले बात तो संग्राम सिंह उसी जगह पहुंचता है जहां खूब अच्छी तरह जानकारी हो उसे, और तुम इतना झूठ बोलते हो हमें विश्वास नहीं था कि तुम इतना झूठ बोलोगे। यहां मेरे पास कोई लड़की वड़की नहीं है। लड़की नहीं है? नहीं है। हराम जादे झूठ बोलता है। चलो कुटिया में चारों तरफ घेर लो, अडोरा सो गया कुहार। अरे बाबा जी तुम्हें क्या हो गया? आ गया है बाबा जी। हमारे कुटी से भाग जा। अरे तू तो ही कहता था कोई लौंडिया नहीं रहती है, अभी कैसे ना गई? अंजू क्या है? देख तुझे कितनी दूर से ढूंढते ढूंढते हम यहाँ आ गए। तेरे लिए उतनी बड़े बड़ा राजमहल सब बेकार है, तो उठा लो इसे और ले चलो राजदरबार। उठा इसे बाहर। तेगा बेटा अजय, मेरी चिंता छोड़ दे, अंजू की जान बहुत खतरे में है, उसे कमीना संग्राम सिंह उठा ले गया और मुझे शमशीर से मार कर गया। मैं फिकर छोड़, तू जा अंजू को बचा। तेगा वही हुआ। वो हराम ज्यादा संग्राम सिंह यहां यहां तक भी पहुंच गया। आओ पीछा करो उसका। चलो सुरजीत सिंह, ये लाश बाबा जी की। सर क्या बात है? इस कंधे से मुझे यह मालूम पड़ रहा है कि वो कमीना संग्राम सिंह बाबा जी की कुटी पर। तो क्या संग्राम सिंह अंजू को पता पा गया था, इसलिए अंजू की तलाश में आकर के और बाबा जी को गोली मार करके वो अंजू को लेकर के जा रहा है, क्योंकि मैं इसे अच्छी तरह पहचानता हूँ। विवाद साहब बाबा जी की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। और सर और कंचन अंजू का यही है मुझको पहे इसकी पहचान। हाँ सर कंगन अंजू का यही है मुझको पहचान, और उसका दिल संग्राम सिंह ने नी साधु की जान। उसका दिल संग्राम सिंह ने सर सुरजीत सिंह इसलिए। तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि उस हराम जादे संग्राम सिंह ने बाबा को गोली से मारा है? चलो आओ हम उसके साथ चलते हैं। आओ मेरे साथ।